जय माता दी फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेडी शेडी हो गए हैं और चल रहे हैं मंदिर, और पापा जी आए थे, मतलब मेरे ससुर जी, तो उनको लेके जाना है माँ कामाख्या का दर्शन कराने। तो वही हम लोग निकल गए हैं, देखिए उबेर बुक किए थे। तो यहाँ पे प्रीति का पापा, शिवा प्रीति और पापा जी बैठे हैं आगे। तो ये देखिए, तो अभी हम लोग निकल गए हैं माता रानी का दर्शन करने, तो आप सब भी चलिए हमारे साथ। और ये देखिए गुवाहाटी का बहुत बहुत खूबसूरत व्यू, और हम लोग अब थोड़ी देर में पहुँचेंगे, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लग जाते रहते हैं। तो अभी तो अम्बुवाछी आने वाला है 22 जून से हाँ शायद, तो उसके बाद मंदिर यहाँ पे मतलब बंद हो जाता है 4 दिनों के लिए। और यहाँ पे देखिए माता का गेट आ गया है, तो यहाँ पे मेला लगता है, अम्बुवाछी मेला, तांत्रिक मेला, जो कि बहुत मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और आप मतलब पूजा पाठ ये सब, वैसे मंदिर को ढक दिया जाता है, बंद किया जाता है, बाकी आप मंत्र जाप ये सब कर सकते हो और देख सकते हैं सब तैयारी चल रहा है यहाँ पे चारों तरफ, मतलब बन रहा है, सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में लाखों लाखों लोग आते हैं अम्बुवाछी पे, तो बहुत दूर दूर से आते हैं साधु संत ये सब। तो मैं भी आऊँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी, तो आना यहाँ पे अच्छा होता है। तो हमारे तो सामने है, माता रानी की कृपा है हम पे, तो हम लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए माता की चुन्नी, फूल माला सब यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे वही प्रसाद फूल माला सब खरीदेंगे और चलते हैं माँ के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैर हाथ धोते हैं और यहाँ पे गणपति जी है, तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे, उसके बाद माता के मंदिर की तरफ चलेंगे। और यहाँ पे देखिए पानी से मतलब पैर हाथ धो के और ऊपर ऐसे डाल लेते हैं थोड़ा सा, तो सबसे पहले यहीं पे मतलब पैर हाथ धोया जाता है। और यहाँ पे देखिए बन रहा है सब लाइन, अभी तक कितना ख़तरनाक वाला लाइन है, बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, क्योंकि ये माँ कामाख्या शक्ति पीठ है, तो होना ही है भीड़। तो रोज़ यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, हजारों हजारों लोग आते हैं, और अम्बुवाछी के टाइम में तो बोलना ही नहीं है, वो सब जो बन रहा है ना ऊपर में, वो सब मतलब बाबा जी लोग तांत्रिक सबसे भर जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए गणपति जी हैं, तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर लेंगे अपना, उसके बाद चलेंगे मंदिर की ओर। और हम लोग शाम को आए हैं,
तो यहाँ पे शाम को आरती होगा, तो आप सबको दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छा लगता है आरती, माता का आरती में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे पूजा हो गया है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आप सब ब्लॉग में बने रहिए और आप सब भी माता का दर्शन करिए। और कौन कौन यहाँ मंदिर में आए हैं मुझे कमेंट में बोलिएगा। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है, मतलब बहुत अच्छा यहाँ का व्यू है और माता रानी का मंदिर। और यहाँ पे देखिए लोग कितने भीड़ है देखिए। तो अभी हम लोग दिया हुआ जलाएंगे और ये माँ कामाख्या का यहाँ पे बनाया हुआ है मूर्ति। और यहाँ पे भोलेनाथ है और वही देखते और चलते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए ये सब बकरी, मतलब वो जो कोई कोई होता है ना कि बलि, यहाँ पर प्रथा है बलि भी देते हैं कई लोग, और कई लोग जो मतलब यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं कबूतर ये सब, तो वही है बड़ा हो जाते हैं फिर घूमते रहते हैं। ये देखिए और ये बहुत मतलब डरते नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए बलि घर लिखा भी है। तो इस तरफ से हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं और जाके उधर पूजा वूजा करेंगे। और मंदिर में वैसे वीडियो वीडियो ये सब बनाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग बस ये देखिए मंदिर में नहीं बनाए, बाहर आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह के बाबा जी लोग बहुत दिखेंगे। और यहाँ पे प्रीति के पापा नारियल तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद नारियल तोड़ने के बाद दिया जलाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सब ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा चाय पीते हैं। और चाय प्रीति को दे रही थी तो वो बोल रही थी मैं नहीं पीऊँगी। और इधर है पापा जी। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी दिख रहा है मंदिर, मंदिर का पीछे का साइड है इस तरफ से, बहुत अच्छा लगता है व्यू एकदम पूरा हरियाली। और ये बहुत पुराने पुराने यहाँ पे पेड़ है, पता नहीं कितने साल पुराने होंगे। तो यहाँ पे चाय पी लेते हैं। क्या बता दी, यहाँ पे शिवा भी है। तो मैं YouTube में लाइव हो गया।
माता का प्रसाद हलवा मेरा भी ये खाली प्रसाद खाली खाऊँ ये लीजिए आप सब भी माँ का मक्खिया का भोग प्रसाद पापा जी हम डाल खाला कुछ ना खा जा कुछ ना माता जी का प्रसाद खाला खा खेलो बहुत सुंदर तो फ्रेंड्स पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया और आरती भी दर्शन कराया आप सबको और बहुत बहुत सुकून शांति मिलता है यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर और जा रहे हैं नीचे की तरफ और ये मंदिर ही है अभी नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो बैठे हैं तो वो सब मतलब उनको कुछ दे देते हैं दान वान तो उसके बाद हो गया है उसके बाद चलते हैं और कुछ खरीदेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप कोई तीर्थ या धाम आइए तो जैसे कि सिंदूर प्रसाद ये सब खरीदना पड़ता है तो वही खरीद लेंगे और गांव के लिए भी कुछ देखते हैं क्या ले तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं और प्रसाद ले लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना जूता चप्पल उतार के रखा था तो वही पहन लिए हैं। तो चलिए अभी नीचे की तरफ चलते हैं और ये देखिए पापा जी चल रहे हैं आगे आगे। तो पापा जी थोड़ा चल नहीं पाते हैं धीरे धीरे चलते हैं तो इसीलिए और शिवा पीछे पीछे चल रहा है दादाजी को दिखा दिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। ये सब अंगूठियाँ बहुत अच्छा लगता है इसमें मतलब बहुत सारा धातु मिक्स करके बनाया जाता है तो अच्छा लगता है पहनने में तो वही मैं ले रही थी घर के लिए भी। और ये देखिए रुद्राक्ष है इसको छीलिएगा तो अंदर में रुद्राक्ष निकलेगा तो मैंने दिखाया भी है एक बार ब्लॉग पर। तो यहाँ पर देखिए सब सब पूजा का जो जो सामान चाहिए सब लोग अपना लेते हैं घर के लिए। तो यहीं मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर लेती हूँ उसके बाद चलते हैं। तो फ्रेंड्स मंदिर में आने के बाद यहाँ पे एक ढाबा है तो आ गए हैं खाना खाने। सोचा कि पापा जी तो अब चले जाएंगे दो तीन दिन में तो उनको अच्छा अच्छा सा खाना खिलाते हैं तो घर का खाना तो रोज़ ही खाते हैं आज थोड़ा सा बाहर का खाना खिलाते हैं तो वही खाना वाना खा के उसके बाद घर जाएंगे और आराम से सो जाएंगे बहुत थक गए हैं। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नए और एक ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।